सम्मेलन में स्टालिन जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन की विभिन्न बीमारियों के साथ तुलना की जाती है, और वैसे लोगों के साथ गलवहियां करके कौन बैठा है? तेजस्वी। तो ये इस प्रकार का तंत्र चलाने वाले लोग हैं, अफवाह गैंग के मुखिया हैं, और अफवाह गैंग के मुखिया जो हैं वो लगातार मुद्दों की बात ये नहीं करते हैं, इन्होंने लगातार देश को तोड़ने वाली बातें की। टुकड़े टुकड़े गैंग, पूरा का पूरा इंडी अलायंस, भ्रष्टाचारियों की मंडली जो लगातार देश को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ने की बात करता हो। तेजस्वी यादव ने कहा है जो आप लोग मुद्दा पर बात क्यों नहीं करते हैं, जो योजना है उस पर बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी बात क्यों नहीं करते, कैसे आप कह सकते हैं सनातन विरोधी है? वो घर में उनके मंदिर हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप लोग के कहने से थोड़ी हो जाएगा, भगवान सब देख रहा है। देखिए, दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। उस सम्मेलन का जब शाब्दिक रूपांतरण करेंगे तो शाब्दिक रूपांतरण निकल करके आता है हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला आंदोलन। और उस सम्मेलन में स्टालिन जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन की विभिन्न बीमारियों के साथ तुलना की जाती है, और वैसे लोगों के साथ गलवहियां करके कौन बैठा है? तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू जी, तो ऐसे लोग उनके साथ गलबहिया करके बैठे हुए हैं। और इनके शिक्षा मंत्री, जब शिक्षा मंत्री के पद पर थे तो शिक्षा के विषय में तो बात हुई नहीं थी। इन्होंने लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की, लगातार श्री रामचंद्र जी के आदर्शों के खिलाफ इन्होंने बातचीत की। तो ये इस प्रकार का तंत्र चलाने वाले लोग हैं, अफवाह गैंग के मुखिया हैं, और अफवाह गैंग के मुखिया जो हैं वो लगातार मुद्दों की बात ये नहीं करते हैं, इन्होंने लगातार देश को तोड़ने वाली बातें की। टुकड़े टुकड़े गैंग, पूरा का पूरा इंडी अलायंस, भ्रष्टाचारियों की मंडली जो लगातार देश को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ने की बात करता हो है। और इन्होंने एक प्रायोजित एजेंडा सेट किया कि सनातन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करो, राम मंदिर के विषय में टीका टिप्पणी करो। इतनी शर्म थी तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, गए क्यों नहीं? राम मंदिर और कार सेवकों के ऊपर, देखिए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वालों की एक जमात है, और दूसरे तरफ राम राज्य के संकल्प के साथ बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो हम राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। देश की यशस्वी जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर और लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौन कार्य कर रहा है। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।